हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आज हमने नई सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर आपको 1500 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कराए जाएंगे, एसर्शन एंड रीजन, और आपकी केस स्टडी के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जिसके बाहर मोस्ट प्रोबेबली कोई भी क्वेश्चन तो नहीं आ सकता। इसलिए ये सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग चीज़ों को रटो, सिखाऊंगा पर्टिकुलरली एमसीक्यू में कैसे ट्रिक अप्लाई होती है, बट कॉन्सेप्ट समझने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करें इस सीरीज को। आपको अगर डेली फॉलो करोगे तो बोर्ड्स तक बिलीव मी आप लोग फुल स्कोर कर पाएंगे। यहां क्या लिखा है, बस ये कर लो, 90% पा लो, ठीक है। तो भैया 90% अगर स्कोर करना है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 500 की एक सीरीज है, और ये 1500 एमसीक्यू, साथ में एसर्शन रीजन एंड केस स्टडी, उसके बाहर कुछ आएगा नहीं। आप लोगों के लिए मैथ्स की भी साइंस की भी प्रॉपर ये सीरीज में तैयार कर रखी है, और वो स्टार्ट होती है आज से। तो डेली अपनी क्लासेस लेने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप नए हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, सेशन बढ़िया लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करें आज का अपना सेशन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू में क्या है, यहां से स्टार्ट होता है आपका पूरा प्रोसेस। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना, और वो सबसे छोटा है तो 2 से स्टार्ट करते हैं, बट इस केस में आप हमेशा उससे डिवाइड करेंगे जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, एक्सपोनेंट ऑफ 5 पूछा जा रहा है, तो 5 से ही डिवाइड करना है। तो 3750 का आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5735 ये आ गया भाई, फिर 5 से करते रहो, 5 से ही करते रहना है, ठीक है बच्चों, यहां आके छोड़ देना है। अब आगे जो भी फैक्टर बनेंगे वो किस में बनेंगे, 2 या 3 में बनेंगे, है ना, उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। 5 से कितनी बार डिवाइड हुआ है वो ही तो पूछा है, 5 से कितनी बार डिवाइड हुआ है, 1, 2, 3, 4। तो 5 raised to the power 4, इट मींस एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज 4, जो कि ऑप्शन बी में आपका गिवन है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, सिंपली जिसका एक्सपोनेंट पूछा है, 5 का पूछा है, तो 5 से ही डिवाइड करना है। जिसका एक्सपोनेंट पूछेगा बस उससे डिवाइड करके देखना है वो कितनी बारी आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर्स, देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर। बच्चों को प्राइम नंबर्स होते कौन से है, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, मीन्स उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, कोई भी नंबर। जैसे मैंने लिया 4 और 5, अब इसके फैक्टर्स क्या है बच्चों, 2 × 2, और इसके फैक्टर क्या है, 5 × 1, और 1 सबके साथ होता है, इसलिए इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 1 है। ऐसे नंबर्स होते हैं को प्राइम नंबर्स। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, 2 प्राइम नंबर लेने होंगे। देखो यहां मैंने एक 4 लिया, एक 5 लिया, ठीक है, 4 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, 5 होता है, चाहे तो दोनों वो दोनों प्राइम नंबर नहीं भी हो सकते, जैसे इन द केस ऑफ 4 और 9। इसके फैक्टर्स क्या है, 2, 2, इसके फैक्टर क्या है, 3 × 3। तो देखो ये दोनों जबकि प्राइम नहीं है लेकिन आपस में को प्राइम है, क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब वो कह रहा है ए क्यूब एंड बी क्यूब करूं, तब वो क्या होगा भाई, एक बात सोचो, जैसे 2 और 3 लिया मैंने, ये दोनों को प्राइम है, अब इसको मैं कितनी बार ही खुद से मल्टीप्लाई कर लूं, और इसको भी कितनी बार ही खुद से मल्टीप्लाई कर लूं, तो क्या होगा, कॉमन तो फिर भी कुछ नहीं बनेगा। इट मींस ये 3 पावर करने के बाद क्या आएगा, 8, 3 पावर के बाद 27, तो इसका मतलब ये तब भी को प्राइम ही रहने वाला है। तो ए एंड बी आर 2 को प्राइम, देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर ऑल्सो को प्राइम, तो आपका ऑप्शन ए यहां करेक्ट आंसर बनेगा। आई थिंक आप लोगों को को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। 7 × 11 × 17 + 17 is, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिकॉज उनको पता ही नहीं होता ये क्वेश्चन किसके बारे में होता है, तो समझ लेते हैं। चलिए यहां 7 × 11 × 17 + 17 है,
ये एक अलग नंबर है, ये एक अलग नंबर है, दोनों को ऐड किया गया, तो इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं जो कि 17 है। यहां से 17 जाएगा तो 7 × 11 प्लस 1 बचेगा बच्चों, तो 17 × 11 7 77 + 1 78। यहां दो अलग अलग नंबर आपस में मल्टीप्लीकेशन में, इट मींस कोई एक नंबर है जिसके ये दो फैक्टर्स हैं, तो जब किसी एक नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं अदर देन वन, तो वो नंबर कहलाता है कंपोजिट नंबर। इट मींस वो नंबर किसी ना किसी से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड हो रहा है, यहां देखा जाए तो 17 से तो हो ही रहा है, एक फैक्टर आ गया 17, एक ये फैक्टर है, तो कॉमन लेते ही जो कॉमन नंबर आता है उससे वो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है, तो इट मींस इट इज अ कंपोजिट नंबर, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए, देखो ए कैसे लिखा गया बच्चों, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी है एक्स वाई क्यूब, ठीक है, एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाई डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स बाई द एलसीएम। एलसीएम क्या होता है बच्चों, पहले तो ये समझो, जब दो नंबर आपके पास हो तो उनमें जो कॉमन है वो हम लेते हैं, यहां एक्स है दोनों में, y है दोनों में, और जो कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं, बट ऐसा नंबर कोई हमारे पास नहीं है। अब बात समझो, जब एलसीएम लेते हैं तो इस नंबर की हाईएस्ट पावर लेंगे, यहां पावर 1 है, यहां 3 है, तो x की पावर 3, यहां 2 है, यहां 3 है, तो y की पावर 3, दिस इज द एलसीएम। अब उसने कहा अगर इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करें और उसके एलसीएम से डिवाइड करें, ठीक है, तो नंबर क्या हो गए दो, ए एंड बी, इनकी मल्टीप्लाई को एलसीएम से डिवाइड किया जाता है, तो बच्चों मिलता है हमें एचसीएफ, बिकॉज वी नो, हमें पता है ना, देखो ए इंटू बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब हमारे पास अगर ये एचसीएफ एलसीएम डिवाइड में चला जाए तो बचेगा बस, तो इंटू बी बाई एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ होता है, और यही उसने कहा है कि इन दोनों के प्रोडक्ट को हम एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या ही मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, HCF। लेकिन उसने HCF LCM तो दिया नहीं ऑप्शन में, इट मीन HCF कितना आएगा वो फाइंड आउट करना है, और HCF क्या होता है बच्चों, HCF होता है इन दोनों नंबर में जो जो कॉमन है, x है y है, उनकी छोटी पावर्स, x की पावर 1 छोटी है और y की पावर 2, एक्स वाई स्क्वायर मस्ट बी योर आंसर, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। ये सारा कॉन्सेप्ट समझने का काम हो गया, बट अगर ये आपको एमसीक्यू में अटेम्प्ट करना है तो इतना टाइम थोड़ी ना लगाओगे, तब क्या करना है भैया, उसने कहा कि दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड करना है एलसीएम से, तो वी नो दैट दैट शुड बी एचसीएफ, तो डायरेक्ट एचसीएफ निकालो भाई, काम खत्म हो गया। ए है पी थ्री क्यू फोर, बी है पी स्क्वायर क्यू क्यू, ठीक है, अब उसने कहा पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, ठीक, एचसीएफ ऑफ ए बी इज इतना, एलसीएम ऑफ ए बी इज इतना, देन एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस की वैल्यू फाइंड आउट। बच्चों जो HCF है वो क्या होना चाहिए, देखो A में से और B में से क्या कॉमन है, P कॉमन है और Q भी कॉमन है, और जब HCF निकालते हैं तो छोटी पावर HCF में आती है, कॉमन वाला P है उसकी छोटी पावर 2 है और Q की छोटी पावर 3 है, दैट शुड बी HCF। LCM क्या होता है बच्चों, LCM दोनों जो कॉमन है वो भी लेंगे और नहीं है वो भी लेंगे, लेकिन सिर्फ कॉमन वाली वैल्यू दे रखी है, तो हाइएस्ट पावर लेते हैं, या 3 है या 2 है, तो P की पावर 3 और Q की पावर आ जाएगा बच्चों 4, ये है LCM एंड HCF। अब उसने HCF दिया है P की पावर M, P की पावर M एंड Q की पावर N, कंपेयर करेंगे तो M इक्वल्स टू 2 एंड N इक्वल्स टू 3, ठीक है बच्चों, ऐसे ही LCM उसने कहा P की पावर R एंड Q की पावर S, R 3 है और S 4 है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ये बन गया। अब उसने कहा m प्लस एन दैट इज 2 प्लस 3 इंटू आर प्लस एस दैट इज 3 प्लस 4, 5 इंटू 7 35, ये पूछा गया था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल डरना नहीं है, सिंपली कंपेयर करने का क्वेश्चन था, बट आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप इस चीज को एमसीक्यू में अप्लाई कर पाओगे। If two positive integers p and q can be expressed as, p को आपने लिखा 18 a square b की पावर 4 और q को आपने लिखा
20 ए क्यूब बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एलसीएम पूछा है, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। एलसीएम में आप लोगों को यहां ए एंड बी कॉमन है तो ए की पावर और बी की पावर लेनी है हाईएस्ट वाली, यहां से 3 आएगा और यहां से 4 आएगा। अब ए की पावर 3 बी की पावर 4 अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है एमसीक्यू वहीं खत्म हो गया, आगे करना नहीं है। 1820 का एलसीएम भी यहां निकाल के लिख रहे हैं बट उसको निकालने की जरूरत नहीं है इफ दिस इज गिवन ओनली इन वन ऑप्शन एंड दैट इज ऑप्शन डी। अब लेकिन अगर पूरा कॉन्सेप्ट लगाएं तो क्या होता है, जब इन दोनों का एलसीएम निकाल रहे हैं तो यहां जो नंबर्स में वैल्यू दी होती है बच्चों उसका भी एलसीएम निकाला जाता है। तो 18 एंड 20 का एलसीएम निकालेंगे, वो कैसे निकलता है देखो मैं ट्रिक सिखाता हूं आपको। इनका कॉमन नंबर क्या है, 2 है, 2 9 2 10, तो जो कॉमन है उसे एक बार लिख लो और जो कॉमन नहीं है उन्हें भी मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज 180। तो ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है बच्चों, बट एमसीक्यू के लिए तो आप डायरेक्टली जो वेरिएबल्स है उन्हीं से आंसर निकाल सकते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। 95, 171 मीटर अलग अलग दे रखे, बट उसने क्या कहा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट मैक्सिमम, अगर ऐसी कुछ बात करता है देन HCF इज योर करेक्ट आंसर। आप HCF निकाल दो आपका आंसर आ जाए। लोवेस्ट मिनिमम जो बात करता है तब हमें क्या निकालना होता है, लीस्ट जब कहता है तब हमें LCM निकालना होता है। क्यों, क्योंकि HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट के लिए तो वही निकालना पड़ेगा। तो हमारा आंसर यहां 95 एंड 171 का जो है HCF हो जाएगा। अब बच्चों समझना बात को, 95 एंड 171 का HCF निकालने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर। आप ये देखो कौन से ऑप्शन से 95 एंड 171 दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं। अब भाई 17 के टेबल में तो 95 आता नहीं है, 19 के टेबल में आता है 5 टाइम्स और 19 से ही 9 टाइम्स आता है 171, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर आपका 19 मीटर पर मिनट। तो HCF ऐसे भी आप लोग एग्जाम में फाइंड आउट कर सकते हैं। If n is a natural number, then 2 into, देखो बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इसको समझने में, आगे हमें इसे याद रखना है। ऑलवेज एंड्स विद, ऑलवेज एंड्स विद, एंड्स विद का मतलब आपको यूनिट डिजिट निकालना है। अब यूनिट डिजिट के लिए बच्चों आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पता होना चाहिए, बाकी की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब बात को समझो कि 5 की कुछ भी पावर करो, 1 करो, 5 की पावर 2 करो, 5 की पावर 3 करो, मतलब कुछ भी करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट 5 ही रहती है बच्चों। इट मींस इसको सोल्व करके 5 ही आना है और 6 की भी कुछ भी पावर करो उसका यूनिट डिजिट भी 6 ही रहता है, बाहर 2 है और 5 6 11 2 जा 22। इट मींस यहां कुछ भी आप पावर रख लो इनकी जब मल्टीप्लाई होगी लास्ट में तो उसका यूनिट डिजिट 2 ही आएगा। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जो सिर्फ उसी से एंड होते हैं जब उसकी पावर होती है, तो ऐसे नंबर एक तो 0 है, एक 1 है, एक 5 है, एक 6 है। अब इनकी कितनी भी पावर कर लो ये सेम ही रहता है, ठीक है बच्चों। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है लास्ट में, 2 आने वाला है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, किसी को कोई भी डाउट रहा होगा ना तो कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर लेंगे। इफ द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज, देखो थोड़ा क्वेश्चन गलत दे रखा है, इफ नहीं होना चाहिए, रेशियो पूछा है आपसे HCF और LCM का, HCF और LCM का रेशियो पूछा है टू द लीस्ट कंपोजिट नंबर। लीस्ट कंपोजिट, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो किसी ना किसी से डिवाइड हो जाए। 1 उसमें इंक्लूड नहीं होता है, 2 किसी से डिवाइड होता नहीं है, प्राइम नंबर है, इकलौता इवन प्राइम नंबर है, 3 भी जो है प्राइम नंबर है, 4 डिवाइड होता है 2 से, तो पहला नंबर कंपोजिट जो है वो 4 है। तो भैया आप 4 की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं लीस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 2 है सबसे छोटा, इन दोनों का अगर HCF निकालूं दैट इज 2, क्योंकि इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करे, और LCM होगा बड़ी वैल्यू दैट इज 4। अब उसने कहा HCF दैट इज 2 और LCM दैट इज 4 का रेशियो कितना होगा, 1:2, ये आपसे पूछा है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसे जो समझने वाली बात यह है कि बच्चे गलती कहां करते हैं, डायरेक्ट इन्हीं का रेशियो लिख देते हैं कंपोजिट का और प्राइम का, वही गलत हो जाता है।
या फिर कंपोजिट लीस्ट उनको पता नहीं होता। बहुत से बच्चे तो लीस्ट प्राइम नंबर 3 लेते हैं, जबकि लीस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, वही इकलौता इवन प्राइम नंबर भी होता है। गिवन एचसीएफ ऑफ 2520660 इज 40, एलसीएम इतना है, देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो यहां जो आपकी थ्योरम है वो क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स दैट इज ए एंड बी इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी। तो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करोगे तो वो उन दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आएगा हमेशा। अब यहां एलसीएम कितना दे रखा है वो देखो, 252 इंटू के दे रखा है, इक्वल्स टू ए कितना है 2520 है और 6600 है। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2520 इंटू 6600 डिवाइडेड बाई 252, ठीक है बच्चों, 2520 है, सॉरी एक जीरो हो रहा है यहां पे मैं लगा देता हूं, 252, ठीक है, ये 10 टाइम्स जाएगा। अब 10 टाइम्स की 6600 आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास यहां हमने एचसीएफ छोड़ दिया है, एचसीएफ की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 40 थी, तो 40 भी लेना है। अब यहां ये 40 है, 40 उधर डिवाइड में जाएगा, तो अभी से मैं जो 40 से भी डिवाइड करना है कर दो भाई, 4 1 4 4 6 24 4 5 20 दैट इज 1650, ठीक है, क्योंकि एलसीएम ये रहा, एचसीएफ ये लिखा मैंने बाद में, एन टू बी ए ये रहा, बी ये रहा, ठीक है बच्चों। तो ये 40 हमने छोड़ा था, लास्ट में से डिवाइड किया, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये थ्योरम लगा के इसको डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। इफ ए इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल्स टू दिस, सी इक्वल्स टू दिस एंड एलसीएम इज 3780, देन एक्स इक्वल्स टू, देखो ये भी 2024 में एमसीक्यू आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो तीनों में कॉमन है वो वैल्यू लिखनी है, ठीक है, उसकी हाइएस्ट पावर लेनी है, 2 2 2, सब में 2 है और हाईएस्ट पावर भी 2 है, ठीक है, 3 3 3 कॉमन है लेकिन 3 की पावर हाईएस्ट पता ही नहीं है तो एक्स ही लिख लेते हैं, फिर यहां 5 है और वहां 7 है, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना होता है। अब उसने कहा एलसीएम 3780 है इसका, तो इस एलसीएम के प्लेस पे मैं 3780 भी लिख देता हूं भाई, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद आपको क्या करना है, 3 की पावर में उसको बदल देना जो भी वैल्यू आएगी, तो करके देखते हैं, चलो पहले मैं समझा देता हूं, ठीक है। अब 7 से डिवाइड कर लेता हूं पहले, 7 5 35, 7 4 28, फिर 5 से कर देता हूं बच्चों 5 1 0 8, अब यहां क्या है 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर x, ठीक है, 4 से काट दो 27, 3 raised to the power x, और 3 raised to the power 27 होता है 3 raised to the power x। जब बेस दोनों तरफ सेम होता है तो बच्चों पावर आपस में इक्वल हो जाती है, तो वी विल से एक्स इज इक्वल टू 3, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। इफ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज 10m+4 देन वैल्यू ऑफ m, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों ने क्या करना, 2025 के लिए बोर्ड्स का एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कह सकता हूं मैं इसको, मतलब ये आ सकता है इस बार, तो इसको अच्छे से समझ लो, इसमें करना कुछ नहीं है। एलसीएम किसका निकालना है, 12 का और 42 का। अब पहले तो मैं तुम लोगों को एलसीएम निकालने का आसान सा तरीका सिखा देता हूं, ऐसी वैल्यू देखो जो दोनों को डिवाइड कर सके, दैट इज 6, तो 6 × 2 कर दो बच्चों और 6 7 कर दो, जो कॉमन है ये एचसीएफ भी होगा एक तरीके से, बट मुझे एलसीएम लेना है। अब इन दोनों में अगर कुछ कॉमन होता तो उसको भी लिखते, लेकिन ये दोनों अलग अलग है तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग लिख दो, तो कितना आ गया बच्चों 84 आ गया, ठीक है। अब उसने कहा ये हमारा एलसीएम है और उसका एलसीएम कितना है 10m+4, तो इसे प्लस 4 करना है बच्चों, प्लस 4 करूंगा तो कितना बचेगा भाई, 84 को मैं क्या लिख सकता हूं 80+4, तो यहां बचा 80 और 80 को लिख सकते हैं हम 8 × 10। अब उसने कहा 10m, तो 10 × 8 ये हो गया 10m, तो m की वैल्यू हो गई 8 क्योंकि प्लस 4 तो ये रहा, तो कंपेयर किया तो हमें 8 मिल गया जो कि ऑप्शन 2 में गिवन है। लाइकवाइज आप फाइंड आउट करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम में।
If the LCM and HCF of two non-zero positive numbers are equal, then the number must be. By HCF and LCM, HCF and LCM, कभी भी कोई भी दो नंबर लोगे वो डिफरेंट ही मिलेगा बाकी सबसे, डिफरेंट होगा क्योंकि नंबर डिफरेंट है, तो HCF एंड LCM भी डिफरेंट ही होंगे सबके अपने अलग अलग। और HCF और LCM बिल्कुल सेम आ जाए, HCF भी वही LCM भी वही, तो फिर तो नंबर ही सेम हो सकता है। अगर नंबर सेम नहीं होंगे तो HCF और LCM कभी सेम नहीं हो सकते, तो हम कहेंगे द नंबर्स आर इक्वल, द नंबर मस्ट बी इक्वल। क्योंकि देखो टू और फोर का HCF क्या होता है बच्चों, टू, LCM क्या होता है फोर, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ऐसा चाहिए कि उसका HCF भी टू आ जाए और LCM भी टू आ जाए, तो भैया फिर तो टू और टू ही होगा, तभी आएगा टू और टू, है ना। तो टू और टू का HCF कितना है टू, LCM कितना है टू, तो इसलिए वो नंबर्स का इक्वल होना जरूरी है। इफ P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स एंड P इज द मल्टीपल ऑफ Q, P इज द मल्टीपल ऑफ Q, Q का टेबल में जाएंगे तब हमें P मिलेगा। इट मींस हम कह सकते हैं P इज द मल्टीपल ऑफ Q, Q का मल्टीपल है कितने टाइम्स, K टाइम्स मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। लेट P इज इक्वल टू के क्यू, या थ्री ले लेते हैं, लेट K इक्वल टू थ्री, आपको आसान बनाने के लिए P इज इक्वल टू थ्री क्यू। चलिए जी, अब Q कोई भी नंबर ले ले, अगर हम सपोज करते हैं फोर ले लेते हैं, तो थ्री फोर जा, थ्री फोर जा कितना हो गया बच्चों ट्वेल्व, तो इसका मतलब है P की वैल्यू ट्वेल्व होनी चाहिए, है ना। अब उसने कहा है P इज द मल्टीपल ऑफ Q, देन व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q, तो इनमें से जो छोटी वैल्यू है वो ये आपका क्या होगा HCF बनेगा। तो जब भी आपको मल्टीपल बोलेगा जिसका मल्टीपल होगा तो भैया वही HCF बनेगा। जैसे सिक्स थ्री का एक मल्टीपल है, थ्री टू जा सिक्स, तो जिसका मल्टीपल होता जाएगा वो HCF है और जो मल्टीपल होगा वो LCM होता है हमेशा। तो बस आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो HCF ऑफ P एंड Q मस्ट बी आपका क्या है Q, क्यों, देखो P एंड Q आर नेचुरल नंबर, P इज द मल्टीपल ऑफ Q, Q का मल्टीपल है तो HCF, और P क्या है LCM। द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई 18, 24, 30 एंड 42 विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर वन। बहुत आसान सी ट्रिक समझाता हूं, ना HCF निकालना ना LCM निकालना ना कोई फॉर्मूला याद रखना, सिंपल सा तरीका समझाता हूं, बहुत आसान सा। उसने कहा है कि अगर हम इनको डिवाइड करेंगे कोई भी ऑप्शन को तो एक रिमाइंडर आएगा। अगर सपोज करो मैं 11 को 5 से डिवाइड करूं तो एक रिमाइंडर आएगा, तो अगर मैं 11 में से 1 माइनस कर दूं पहले ही तो फिर तो 10 डिवाइड हो ही जाएगा ना 5 से। तो यही ट्रिक आपको यहां अप्लाई करनी है, 2520 में से 1 माइनस कर दो, ये बन गया 2519, ये बन गया 2518 और ये बन गया 2520, ठीक है बच्चों ऐसे। अब ये जो नंबर बने हैं इन ऑप्शन से, जो ऑप्शन आपने तैयार किए हैं ये उनसे डिवाइड हो गए ही होंगे, ठीक है। अब आप ये देख लो 18, 24 और 30, 42 से कौन सा नंबर इनमें से डिवाइड होगा, किससे देखोगे, डिविजिबिलिटी रूल से, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना वो लगाना है। सॉरी इतने नंबर में कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना, कोई एक नंबर पकड़ो पहले उससे देखो। जैसे 18 है, 18 का मतलब क्या होता है, 9 2 18, जो इनमें से 9 से डिवाइड होगा वही आपका आंसर हो गया। अगर सपोज करो एक ही ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहा है, बाकी सबसे देखने की जरूरत ही नहीं है, 9 का रूल क्या कहता है, सबका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, 5 2 7 8 9 17, तो ये नंबर नहीं हो सकता भाई, ये 16 आ रहा है, 2 5 7 1 8 8 16, ये भी नहीं होगा, ये 9 आ रहा है और 9 9 से डिवाइड होता है, बस और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। ये कौन से आया था, सी ऑप्शन से, तो दैट इज योर करेक्ट आंसर। आप एग्जाम में ऐसे अप्लाई करो, देखो सेकंड्स में आ रहा है ना आंसर, कुछ भी नहीं करना। वैसे इसका तरीका क्या होता है, वैसे इसका तरीका ये होता है कि लीस्ट नंबर बोले तो सबका LCM निकालो, निकाल लिया LCM। अब उसने कहा रिमाइंडर एक बचना चाहिए, तो इसका मतलब LCM से एक ज्यादा होनी चाहिए, LCM तो इन सबसे डिवाइड हो ही जाएगा, तो अगर रिमाइंडर चाहिए तो एक ज्यादा ले लोगे। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपने LCM निकालना है, प्लस वन करना है, LCM निकाल के प्लस वन करना है। जब भी आपको कहे कि एक रिमाइंडर बच रहा है तो प्लस वन कर दो, और कह रहे एक कमा रहे तो प्लस वन कर दो, ठीक है। बात को समझना यहां क्या है,
आपको ऐसे करना ही नहीं है। ये तो हो गया स्टैंडर्ड तरीका जो सबको पता होना चाहिए, नहीं तो लगेगा सर को आता नहीं होगा, है ना, कई बार सोच लेते बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। बात सारी यहाँ है कि आप इस ट्रिक से यूज करके विद इन सेकेंड बिना कैलकुलेशन के इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू इज 2 to 1, दो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कोई भी हो वो कंपोजिट नहीं होते हैं, क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, ये हमेशा याद रखना, को प्राइम मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। भाई प्राइम नंबर तो किसी से डिवाइड होता ही नहीं है, और दो प्राइम नंबर लोगे तो क्या आएंगे, को प्राइम ही रहेंगे हमेशा, दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम रहेंगे। लाइक जैसे आपने 3 लिया 5 लिया, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 7 ले लो, तो ऐसे। अब उसने कहा उनकी मल्टीप्लाई करके आपको 2 to 1 मिला है, यह है एलसीएम, ठीक है जी, को प्राइम नंबर है। अब बात को समझना मेरी बात को ध्यान से, उसने कहा पी बड़ा है क्यू से, पी बड़ा है क्यू से, तो दोनों प्राइम नंबर में से एक छोटा एक बड़ा है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें ये मिला। जैसे मैं 3 और 5 का आपका एलसीएम निकालूं, तो एलसीएम हमेशा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ही आएगा, कोई भी प्राइम नंबर ले लो, तो उनका एलसीएम हमेशा उन दोनों की मल्टीप्लाई होता है, कोई भी दो को प्राइम नंबर होंगे तो उनका एलसीएम हमेशा उन दोनों की मल्टीप्लाई करके ही आता है, ठीक है। तो यहां भी दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 2 to 1 आया होगा। अब 11 की मल्टीप्लाई 11 में करके 2 to 1 आ जाता है, दोनों को प्राइम है लेकिन वो सेम हो गए, तो इसलिए उनका जो एलसीएम है वो भी 11 ही बन जाएगा, तो सेम नंबर नहीं ले सकते। दूसरा उसने बोला भी है कि पी बड़ा है क्यू से, तो लेकिन हमें इससे एक आइडिया मिल गया कि 11 होगा और एक 11 से बड़ा भी हो सकता है, मतलब 11 से बड़ी वैल्यू पे ये आंसर आ सकता है, तो इसे 13 से डिवाइड कर लो, मतलब 11 से बड़े से, तो 13 1 13 और 17 टाइम चला गया, ठीक है भाई, ये तो 17 से हो गया, तो 13 × 17 से आया ये, तो इट मींस ये दो को प्राइम नंबर है, एक 13 एक 17 है। अब एक बड़ा एक छोटा है, तो बड़ा कौन है, पी, तो दिस इज पी, दिस इज क्यू, पूछा क्या है, 3p, 3p कितना होगा, 17 × 3 माइनस क्यू करना है, दैट इज 30, तो 51 − 13 38, जो कि ऑप्शन सी में आपको दे रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 एंड देयर एचसीएफ इज 81, देन द पॉसिबल नंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स, कितना बढ़िया सा एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों को ये पहली बार ही देखने को मिला होगा, बट मैं समझाता हूं आपको कैसे इसे करते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215, ठीक है बच्चों, एंड देयर एचसीएफ इज 81। अब बच्चों जो भी नंबर होते हैं वो अपने एचसीएफ की मल्टीपल में होते हैं, ये हमेशा याद रखना है। तो अगर हमारा पहला नंबर एक्स है तो उसे हम लिखेंगे 81x + 81y इज इक्वल टू 1215, ऐसे एक्स प्लस वाई क्या हो गया बच्चों, 1215 डिवाइडेड बाय 81, इधर से 81 कॉमन लेके मैं उधर डिवाइड में ले गया, ठीक है, इससे काटू तो मेरा ये 15 टाइम्स कट जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका समझाता हूँ, दो डिजिट की टू डिजिट में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करो फिर इन्हें क्रॉस करो, ऐसे 85 + 40 से इधर करो 41, फिर इनकी मल्टीप्लाई करो और ये 4 ऐड कर दो, आ गया, तो 15 टाइम जाएगा। अब बच्चों उसने क्या कहा है कि हमारे पास इन दोनों नंबर का सम 15 बनता है, ठीक है समझ रहे हो, बट उसने एक साथ में एक चीज बोली है कि जो एचसीएफ है 81 है, ठीक है। अब जो HCF आता है किसी भी नंबर का वो क्या होता है, जब हम कॉमन लेके उसके फैक्टर में से, पहले नंबर के फैक्टर में से दूसरे के फैक्टर में से जब कॉमन लेके बनाते हैं मल्टीप्लाई करके, वो HCF होता है। इसे साफ साफ पता चलता है कि HCF हमेशा को प्राइम नंबर्स की, मतलब प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन से आता है। अब बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, उसने कहा कि दो नंबर्स का सम करके आए ये, तो ऐसे कौन से दो नंबर है, पेयर्स कितने बन सकते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, 1 और 14 का पेयर बना लिया, चलो जी चलेगा, 2 13 का चलेगा, 3 12 का चलेगा, 4 और 11 का, 5 और 10 का, 6 और 9 का, 7 और 8 का, ऐसे चल रहे हैं। बट बच्चों यहां देखो आप, ये 2 13 3 12 ये तो को प्राइम नंबर नहीं है ना, एक 3 1 12 है, को प्राइम नहीं हुए, तो ये वाला पेयर नहीं लेना है, 4 11 ले लेना है, 5 10 नहीं लेना है, 6 9 भी नहीं लेना है, 7 8 ले लेना है, तो 1 2
थ्री फोर, फोर पेयर बनते हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत से बच्चे गलती यही करते हैं कि यहां प्राइम वाली चीजों को छोड़ देते हैं, मतलब को प्राइम वाली बात को इग्नोर कर देते हैं या वो लगा नहीं पाते इस चीज को, तो वो पेयर्स गलत बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि ऐसा जब भी क्वेश्चन बनेगा तो उसमें जो को प्राइम वाले हैं सिर्फ वही वाले पेयर लेने हैं, जो को प्राइम नहीं है उन पेयर को हम नहीं लेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने होगा तब उसके लिए एमसीक्यू के बहुत इजी ट्रिक समझाता हूं। क्या है बच्चों, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट्स दैट विल गिव अस अ रिमाइंडर ऑफ फाइव। भाई रिमाइंडर कैसे मिलता है हमें, जैसे मान लिया 12 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 टू 10 2 रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा, तो उस 12 में से अगर मैं पहले ही 2 माइनस कर दूं तो मुझे वो नंबर मिलेगा जो डिवाइड होगा। तो ऐसे ही जो भी नंबर हमें दे रखे हैं इनमें से 5 माइनस कर दो देन इट विल बी डिवाइडेड बाई 8 एंड 9। एलसीएम एचसीएफ वाले तरीके से नहीं करना है, एमसीक्यू करना है तो एग्जाम के अंदर मेरे तरीके से करना है, वो क्या है, इसमें से इस रिमाइंडर को ही माइनस कर देना है पहले, क्या बचेगा 999 16, 999 5 करना है तो 26, 999 5 करना है तो 36, 999 5 करना है तो 46। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो भी यहां आपका 8 और 9 से डिवाइड हो जाएगा जो भी नंबर वही आपका आंसर होगा। तो 8 और 9 का सर एलसीएम निकालना है कि ऐसे कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे आसान होता है वो वाला लगाना है। वो क्या होता है, सभी डिजिट्स का सम करके देखो 9 से कौन डिवाइड हो रहा है, तो 6 और 1 7 ये सारे तो 9 है, ये तो होना ही है, 6 1 7 इनका सम नहीं बनेगा, 6 2 8 इनका सम भी नहीं बनेगा, 6 3 9 ये बनेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे ऐसे तब क्या करेंगे सर हम, तब फिर 8 वाला रूल भी लगाएंगे उसमें। जैसे मान लीजिए ये दो ऑप्शन होते अगर, तो इसमें से जो 8 से भी डिवाइड हो जाता फिर 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते, बस ये करना है, बाकी आपको एचसीएफ एलसीएम इसमें नहीं निकालना है। 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट रेस्पेक्टिवली। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बात तो ये एमसीक्यू में वैसे आता नहीं है, दो नंबर में आता है, बट रिसेंटली एग्जाम्स में पीछे ये एमसीक्यू में दे दिया था इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये एमसीक्यू में पढ़ना चाहिए। एमसीक्यू में कैसे अटेम्प्ट करना है वो वाली ट्रिक सिखाऊंगा। तो बच्चों क्या होता है, जब वो टुगेदर की बात करेगा, टुगेदर कोई भी चीज होगी एक साथ मिलने वाली, तब हमेशा एलसीएम निकालना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब जैसे यहां पहले तो एलसीएम की बात करते हैं, 20, 25, 30, ये तीन आपके टाइम्स दे रखे हैं, तो इनको पहले देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करे, 5 है भाई, ठीक है जी, 5 4 20 5 5 25 5 6 30, तो इसे क्या करेंगे हम, 4 को लिख देंगे 2 into 2 और 6 को लिख देंगे 2 into 3, तो एक ये 5 आएगा दैट इज 5, एक बार ये 5 भी लेंगे, एक बार इन दोनों 2 को लेंगे, एक फिर इस 2 को और फिर इस 3 को, तो 5 5 25 into 12 दैट इज 300, तो 300 सेकेंड्स के बाद। लेकिन आंसर दे रखा है यहां 12 बजे की बात की थी, उसके बाद 4 बजे 4:30 5 बजे 5:30, तो इट मीन्स हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आप क्या करो 60 से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट आवर्स 5 आवर्स के बाद, 12 के बाद 5 आवर्स कब होंगे, 5 पीएम पे होंगे, दैट इज योर आंसर। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ये आपके एमसीक्यू में नहीं होगा, बट आपको सिखाने के लिए मैंने ये रखा हुआ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6 बिकम्स डिविजिबल बाय 36, 63 and 108। एमसीक्यू में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों सुन लो मेरी बात, इसको कभी भी एलसीएम एचसीएफ की तरफ नहीं जाना, दिमाग नहीं लगाना है। 36 को देखो, 9 4 36 होता है, तो मतलब अगर इससे डिविजिबल होगा तो 9 से भी तो होगा ही होगा, लेकिन उसके लिए छोटी सी बात दिमाग में रखनी है, वो क्या कह रहा है, व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6 तो इसे इंक्रीज कर दो, 56 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 58, और ये क्या हो जाएगा 60, और वो क्या हो जाएगा 62। अब देखो इनमें से कौन 9 से डिवाइड हो रहा है,
अगर 9 का रूल 1 से ज्यादा में लगेगा तो फिर 4 का भी लगाना, 63 क्या होता है 9 7 63, फिर 7 से भी देख लेना, बट ये मोस्ट प्रोबेबली 1 से ही आ जाता है। 7 5 12 6 18 ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसका सम 20 आ रहा है, इसका सम 13 आ रहा है, यहां 15 आ रहा है, तो बस यही नंबर है। तो इट मीन्स ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि इन किसी से भी डिवाइड होगा तो 6 की कमी बढ़ेगी, तो इसलिए से 6 इंक्रीज करते ही इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। अब इन सबसे डिवाइड होने का क्या मतलब है, और सबसे स्मॉलेस्ट भी है तो इनका एलसीएम है, ये स्मॉलेस्ट क्या होता है एलसीएम, तो इसका एलसीएम है, बट हम क्यों निकाले, हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू की ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी भाई कमेंट जरूर करना, लाइक करना सेशन, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जो नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो भाई, लाइक करना जरूर, बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।